हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड्स, आप लास्ट ईयर के रेलवे एग्जाम के कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर सिंगल पेपर के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ज़रूर आता ही है। और फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 3 से 4 नंबर तक के भी कवर करता है। तो अगर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हर एग्जाम के अंदर ही आता है, लेकिन इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। फ्रेंड्स, हो सकता है आपने पहले भी इसे पढ़ा हो, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आज का ये सेशन जो है वो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो सिखा के जाएगा। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इस सेशन को देखिएगा और पेन और कॉपी लेके बिल्कुल से रेडी हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले ये है कि कोडिंग कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं मान लो पास में खड़ी हूं उनके, तो मैं उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रही क्योंकि वो कोड लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हैं। उनकी लैंग्वेज का एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स लॉजिक है उसके पीछे। तो अगर मैंने वो पैटर्न समझ लिया, वो लॉजिक समझ लिया, तो मैं उनकी लैंग्वेज को भी समझ लूंगी। यानी कि कोडिंग क्या है, ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे लिए हम उसे समझ नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, उसे हमें डिकोड करना है जिससे कि हम उसे समझने योग्य भाषा में चेंज कर सके। दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने आई हैं कि हमें जो कोड है उसका पैटर्न समझना पड़ेगा और उसके पीछे जो लॉजिक है वो देखना पड़ेगा। बस फ्रेंड्स, इतनी सी चीज अगर हमने समझ ली है तो हम बिल्कुल इजिली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग डिफरेंट टाइप्स की है, उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अल्फाबेट कोडिंग। फ्रेंड्स, अल्फाबेट नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या किया जाएगा, अल्फाबेट्स को कोड किया जाएगा। और ये भी दो तरीके से हो सकती है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग जिसमें अल्फाबेट को अल्फाबेट से ही कोड किया जाएगा, एंड द सेकेंड वन इज जिसमें अल्फाबेट को नंबर से कोड किया जाएगा। आज के सेशन में हम देखेंगे कि अल्फाबेट से अल्फाबेट में किस तरीके से कोड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम अल्फाबेट टू नंबर वाली कोडिंग जो है उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्फाबेट कोडिंग के लिए आप ये मान लीजिए, सबसे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रीढ़ की हड्डी के ये समान है कि आपको जो है वो ए से जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं उनका सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से याद होना चाहिए कि अगर कुछ भी हो जाता है, खुदा ना खास्ता मान लो आपके दिमाग पे कभी चोट लग गई, तो आप सब कुछ भूल जाएं तो भी आपको ए से जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं ना उनका नंबर याद होना चाहिए। और आज हम कुछ ऐसी ही ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ऐसी ही ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे कि ए से जेड तक का जो अल्फाबेट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से उनका जो प्लेस वैल्यूज हैं वो याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये जो ए से जेड तक की अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है ना, ये सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही काम नहीं आएंगी, ये आपके लेटर क्लासिफिकेशन में भी काम आती हैं। इसके अलावा ये जो लेटर एनालॉजी में भी काम आएंगी ये, तो और इसके अलावा जो ये अल्फाबेट सीरीज हैं इसके अंदर भी काम आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रीजनिंग के 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो आपके लिए इजी बना देती हैं। तो मैं एक पहले सेशन में भी आपके साथ में ए से जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं उनका सीक्वेंस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये बहुत मस्ट है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से ए से जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं उनका सीक्वेंस बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें सुनिएगा और साथ ही आपको जो लगता है कि हाँ ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, याद नहीं रहेगा, तो एक बार नोट कर लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब तक हम ए से जड़ तक पहुंचेंगे ना, तो आपको इसका सीक्वेंस जो है वो टिप्स के ऊपर याद होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे याद करना है इसे आप ये देख लीजिए, ए बी सी डी 1 2 3 4 हमें डायरेक्ट याद रहते हैं, छोटे बच्चे को भी पता है कि डी 4 नंबर पे आता है, तो ए बी सी डी 1 2 3 4 कंटिन्यू याद रख लेने हैं। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, आपने बहुत बार सुना भी होगा ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ठीक है। ई आ रहा है आपका 5 नंबर के ऊपर, 10 15 20 और 25, ये 5 अल्फाबेट्स जो हैं ये हमें किस तरीके से याद रह जाएंगे फ्रेंड्स,
ये पांच अल्फाबेट जो हैं ये क्या है, हमने पांचों अल्फाबेट लिख लिए हैं और इनके नीचे ये देखिए आप पांच के मल्टीपल के अंदर क्या कर दिया है, पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस, ई आता है पांच पे, जे आता है दस पे, ओ आता है पंद्रह पे, टी बीस पे और वाई आता है आपका पच्चीस नंबर के ऊपर। तो इजोटी वर्ड से बहुत ही यूनिक सा वर्ड है, मतलब जबान पे जो चढ़ जाए ऐसा वर्ड है। तो इजोटी वर्ड जो है वो आपको याद रह जाएगा, पांच दस पंद्रह बीस और पच्चीस के ऊपर ये अल्फाबेट्स आएंगे। अब देखते हैं आगे आइए आप, एफ, एफ से अगर मैं बोलती हूं तो एफ से होता है फिक्स, एफ से क्या होता है, एफ से होता है फिक्स और एस से होता है, एफ से होता है फिक्स और सिक्स, छह कौन क्या यहां पे है ना, ये सिक्स है, तो एफ से फिक्स सिक्स, ये हमें याद रह जाएगा कि एफ जो है वो छठे स्थान पे आता है, फिक्स सिक्स। बार बार रिपीट कर रही हूं आपके सामने जिससे कि यहां तक पहुंचे ना, तब तक ये आपके दिमाग में यहां तक अच्छे से पहुंच जाए। चलिए जी, ये देखिए जी को अगर मैं ऐसे लिख देती हूं तो ये एकदम सेम कैसा लगता है, सेवन के जैसा लगता है ना, तो जी कितने पे आ जाएगा, सेवन पे आ जाएगा। चलिए एच को अगर मैं इस तरीके से मिला देती हूं तो बिल्कुल कैसा लग रहा है, एट के जैसा लग रहा है, तो एच कितने पे आता है, एट के ऊपर आता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स आई है, आई को अगर मैं कर्सिव राइटिंग में लिखती हूं तो हम ऐसे भी लिखते हैं आई को, तो बिल्कुल कैसा लग रहा है, नाइन के जैसा लग रहा है, तो आई कितने पे आता है, नौ नंबर के ऊपर आता है। चलिए जे है, इजोटी में आ गया, जे आता है दस नंबर के ऊपर, अच्छे से याद रह जाएगा। चलिए अब ये देखिए फ्रेंड्स, के इलेवन, किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल की टीम है, के इलेवन, तो के ग्यारह नंबर पे आता है, एकदम इजिली मूव, जवानी याद है, किंग के इलेवन, किंग्स इलेवन पंजाब से, ठीक है। अब ये देखिए एल फ्रेंड्स, एल फोर होता है लॉयन, एल फोर होता है लॉयन, और फ्रेंड्स शेर को देख के तो किसी के भी बारह बज जाते हैं, तो L फॉर लॉयन, और ये आ गया आपका लॉयन जो है वो L कितने पे आ गया, 12 नंबर पे आ गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स M, M से आप याद कर लीजिए मेरा है ना, तो जो मेरा है वो 13 है, जो मेरा है वो 13 है, तो M कितने पे आ गया है, 13 नंबर के ऊपर आ गया है, जो मेरा है वो 13 है, तो M आ गया है 13 नंबर के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रोमन नंबर में हम चार को ऐसे लिखते हैं है ना, तो ये चार जो है ये इधर से ये मिल गया और ये मिल गया, तो ये क्या हो गया, एन के जैसा लग रहा है ना बिल्कुल से, तो चार नंबर पे तो आ नहीं सकता ये, तो एन कितने पे आता है, चौदह पे आता है। तो आप रोमन का ये वाला देखिए, रोमन नंबर में ऐसा लग रहा है कि हमने चार लिख दिया है, तो चार पे तो आ नहीं सकता, तो चौदह पे क्या आएगा, चार के आगे एक और लगा दिया तो चौदह पे आ जाएगा आपका एन। ये देखिए ओ, ओ फिर से इजोटी के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स पी, तो पी आप ऐसा कर लीजिए कि प्रिंस जो है वो क्या है आपका, पी फोर हो गया है प्रिंस, ठीक है, और Q4 हो गया है क्वीन, है ना, तो प्रिंस जो है वो 16 साल का है, क्वीन से भी छोटा है ना, क्वीन है हमारी 17 साल की, तो हमें क्या करना है, 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से क्या है आप शादी कर दीजिए, है ना। तो पी आ गया 16 पे आ गया और क्यू आ गया आपका 17 पे, पी फॉर प्रिंस 16 साल का है और क्यू फॉर क्वीन 17 साल की है, तो पी 16 पे क्यू 17 पे, इस तरीके से याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आर पे आइए, अब ये देखिए मैं आर को इस तरीके से मिला देती हूँ तो क्या बन जाता है, ये एट के जैसा मिलता जुलता लगता है, तो एट पे तो आर आएगा नहीं, तो आर कितने पे आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 के ऊपर आ जाएगा। अब ये देखिए एस को अगर हम ऐसे मिला देते हैं फ्रेंड्स, तो ये कैसा लग रहा है, नो की जैसा लगता है ना, तो नो के आगे एक और लगा दिया तो बन जाएगा 19, तो एस कितने पे आता है, 19 नंबर के ऊपर आता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, टी, टी इजोटी के अंदर भी आ गया, या फिर टी ट्वेंटी से भी आप याद रख सकते हैं, टी कितने पे आता है, 20 नंबर के ऊपर आता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब ये देखिए आप यूवी, ठीक है, यूवी जब हम बोलते हैं तो हमें क्या याद आता है, युवराज सिंह का निक नेम, शॉर्ट नेम, हम क्या बोलते हैं यूवी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूवी ने क्रिकेट खेलना कब स्टार्ट किया था, यूवी ने 21-22 की उम्र से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तो यूवी 21-22 है ना, तो यू आ गया आपका 21 नंबर के ऊपर और वी आ गया है आपका 22 नंबर के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स ये देखिए W, W को मैं इस तरीके से जब मैं देखती हूँ तो क्या है, ये हमें बिल्कुल से तीन के जैसा लगता है ना, तो तीन के आगे जब मैं दो लगा दूंगी तो W कितने पे आता है, 23 नंबर के ऊपर आता है ना। तो जैसे कि ये G है, H है, R है, S है और ये W है, तो इनमें क्या है फ्रेंड्स, खुद की शेप के अंदर ही इनका नंबर छुपा हुआ है, इस तरीके से हमें इनको याद रखना है।
एक्स वाई जेड 24, 25, 26 लास्ट की तीन ऐसी याद रह जाएंगी, एक्स वाई जेड 24, 25, 26। तो आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जो मैंने बताया है इसे फिर से खुद से रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, और आपको जहाँ भी लगे कि मुझे इस पोजिशन में डाउट हो रहा है, आप फिर से वीडियो जो है उसे बैक में लीजिए और फिर से उसे एक बार सुनिए, तो आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ए से जेड तक की प्लेस वैल्यूज आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको आगे के क्वेश्चंस में ज़रूर पता लग जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ आपको क्या याद होनी चाहिए, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू के साथ साथ आपको इनके ऑपोजिट्स भी याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी ऑपोजिट्स की भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताती हूँ, वो भी देख लेते हैं। चलिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो अल्फाबेट्स हैं, हमने मैंने आपको बताया ए से जेड तक हमारे पास में कितने हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं। तो 26 अल्फाबेट्स जो हैं इन्हें हमने दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ए से एम तक का जो पार्ट आता है ये है आपका 13। पहले की जो 13 अल्फाबेट्स है ना फ्रेंड्स, ए से जेड तक जो हमारे पास में 26 अल्फाबेट्स हैं उसे क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 1 से 13 तक के जो पहले 1 से 13 तक के जो अल्फाबेट्स है ना, उन्हें हम बोले वो आएंगे फर्स्ट हाफ के अंदर, प्रथम अर्धांश के अंदर 1 से 13 तक के अल्फाबेट्स जो हैं वो आते हैं फर्स्ट हाफ के अंदर। उसके बाद में ये जो एन से जेड तक के नेक्स्ट, एन से जेड तक के जो 14 से 26 तक के अल्फाबेट्स है ना, वो आपके आते हैं सेकेंड हाफ या द्वितीय अर्धांश के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए कि ए का जो ऑपोजिट है वो क्या है, इस तरीके से हमें इनके ऑपोजिट्स भी ध्यान रखने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ए का ऑपोजिट है जेड, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं आज, आज, आज। तो आज यानी आ, तो ए आ गया जय, जैसे जेड हो जाएगा, तो आज से आपको याद रह जाएगा कि ए का ऑपोजिट क्या है, जेड है। उसके बाद में आप ये देखिए, ये बाय, बाय से आपको याद रह जाएगा कि बी का ऑपोजिट है वो क्या है, वाई है। उसके बाद में ये देखिए कक्ष, कक्ष कै, कै और कक्ष, तो उससे याद रह जाएगा कि सी का ऑपोजिट क्या है, एक्स है। उसके बाद में ये देखिए डी डब्ल्यू, दूध वाला, तो डी का ऑपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, और मैं कहूंगी आप इन्हें लिख लीजिए, क्योंकि अभी ये लगता है कि ये चीजें जो है वो रिमाइंड है, बिल्कुल आपको याद है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आप एक दो कुछ भूल भी जाएं, तो हमारे पास में सेफ साइड लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि आपको इजी रहे उसे समझने में। ये देखिए फ्रेंड्स, ईवी है ना, तो ईवी, तो ईवी से हम याद कर सकते हैं, हम इवनिंग, इवनिंग को जब हम मैसेज करते हैं किसी को गुड इवनिंग वगैरह, तो हम शॉर्ट में उसे ईवी ई ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इवनिंग, इवनिंग से याद हो जाएगा कि ई का ऑपोजिट क्या है, वी है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, फ्यू, फ्यू, तो फ्यू जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या आता है, एफ आता है और यू आता है, तो एफ का ऑपोजिट क्या होता है, यू होता है। जीटी फ्रेंड्स, जयपुर में जीटी रोड है, जीटी मॉल है, है ना, तो काफ़ी ऐसे हैं, फेमस मॉल है, तो जी का ऑपोजिट हो जाएगा जीटी, जीटी रोड से आपको याद रह जाएगा जी का ऑपोजिट है टी। आगे आते हैं फ्रेंड्स, एच एस, एच एस, तो जो रैप सिंगर है हनी सिंह, तो हनी सिंह से आपको याद रह जाएगा एच का ऑपोजिट है एस, एच एस। उसके बाद में आगे आते हैं हम आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर, तो आई आर से आपको याद रह जाएगा आई का ऑपोजिट क्या है, आर है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जे क्यू, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन से याद रह जाएगा हमें जे का ऑपोजिट क्या है, क्यू है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एफ का ऑपोजिट यू, तो ये तो आप अपने आप रिवर्स समझ ही जाएंगे कि यू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, के पी, तो आमिर खान की बहुत ही फेमस मूवी आई थी पीके, है ना, तो पीके से आपको याद रह जाएगा पीके, तो पी और के एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट्स हैं। एल ओ, लव, लव से याद रह जाएगा, लव के पहले दो जो अल्फाबेट्स हैं एल और ओ, तो एल ओ एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। अब ये देखिए एम एन, तो मन, मन से याद रह जाएगा एम का ऑपोजिट क्या है, एन है। तो फ्रेंड्स, हम इतना अच्छे से ए से जेड तक के अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को समझ चुके हैं और इनके ऑपोजिट्स को भी देख चुके हैं। अब बस फ्रेंड्स, करना क्या है, सिर्फ हमें इनको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे ध्यान से ये चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि ये जब आपने देखी है तभी आप क्वेश्चंस को मेरे से भी पहले जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने इस तरीके से हमारे सामने अल्फाबेट कोडिंग जो है उसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए कि स्पार्क को ये बोल रहा है कि इसने स्पार्क को इस तरीके से टी क्यू बी एस एल इस तरीके से कोड किया है, तो हम इस तरीके से, तो इसी भाषा में, किसी भाषा में स्पार्क को ऐसा लिखा जाता है तो फ्लेम को क्या लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, कोडिंग डीकोडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको सिर्फ नकल करनी है ना। इसने जो किया हमें सिर्फ वही करना है, लेकिन एक चीज इसमें आपको ध्यान भी रखनी है कि फ्रेंड्स, नकल में भी क्या है, अकल की जरूरत होती है। तो अगर हमने अकल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत होते हुए भी टाइम में नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, करनी क्या है, सिर्फ नकल ही तो करनी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एस को यहाँ पे इसने किया है टी, पी को किया है क्यू, ए के बाद में बी। तो फ्रेंड्स, हमें समझ आ गया कि इसका पैटर्न क्या है, कि इसने इसमें प्लस वन करता हुआ ये चल रहा है। पी में एक जोड़ा तो क्यू आ गया, एक जोड़ा तो बी आ गया, आर में एक जोड़ा तो एस आ गया, और के की एक जोड़ा तो एल आ गया। तो फ्रेंड्स, एक एक जोड़ते हुए चल रहा है, तो हमें सेम यही करना है फ्लेम के साथ में। एफ के बाद में जी आ जाएगा, एल के एक जोड़ेंगे तो एम आएगा, ए में एक जोड़ेंगे तो बी आएगा, एम में एक जोड़ेंगे तो एन आएगा, और ई में एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा। तो इसी तरीके से हम एक एक जोड़ते हुए इनको लिखेंगे, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स बिल्कुल से एक बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे हम हर टाइप, हर वैरायटी जो है क्वेश्चंस का, हर पैटर्न मैं आपको इसमें देने वाली हूँ जो अल्फाबेट से अल्फाबेट कोडिंग डीकोडिंग के अंदर बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आप ध्यान से इस सेशन के एंड तक बने रहिए, अल्फाबेट कोडिंग डीकोडिंग क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ क्या था आपको एडिशन, ये पैटर्न क्या था, एडिशन का पैटर्न था। इसमें हमने क्या किया, एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने अल्फाबेट्स के नंबर नहीं लिखे थे, इसमें मैं आपको अल्फाबेट्स के नंबर लिख के बताती हूँ कि हमें किस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, ये हम जब इनिशियल कर रहे हैं ना, तब हमें नंबर लिखने की ज़रूरत है। जब आप इसके कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट्स के जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्लेस वैल्यूज इतनी अच्छे से याद हो जाएंगी कि आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, बी की अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखती हूँ तो दो होती है, ओ की लिखती हूँ तो 15 होती है, एक्स की लिखते हैं हम तो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, ई की होती है 5 और आर की होती है 18, है ना। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखती हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए चीज लिख रही हूँ, तो आप ये देखिए, सी है जो वो आता है 3 नंबर के ऊपर, क्यू आता है 17 पे, ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, और ये देखिए डब्ल्यू आता है 23 नंबर के ऊपर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने दो में एक जोड़ा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 15 में दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे तो 17 आ जाएंगे। 24 में 3 जोड़ेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या है कि ए से जेड तक की जो एबीसीडी है ना, वो क्या है, एक सर्किल की तरीके से चलती है। एक सीधी लाइन मत मानिए, आप इसे एक सर्किल के फॉर्म में मानिए कि जिस तरीके से धरती गोल है, उसका कोई सिरा नहीं है ना, आप ये मान लीजिए कि ए से जेड तक की जो ए बी सी डी है, ये भी क्या है, गोल है। जेड के बाद में फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये देखिए कि एक्स है 24 नंबर के ऊपर, तो अब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25, 26 और फिर से 26 तक अल्फाबेट्स होते हैं, और फिर से क्या जाएगा, एक आ जाएगा, है ना। तो 25, 26, 1, 1 के ऊपर क्या आ गया, आपका ए आ गया, ठीक है। इसमें हमने कितने जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, है ना। अब ये देखिए, 5 के अंदर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 नंबर पे क्या होता है, आई होता है, और 18 में कितने, 5 जोड़े तो कितना आ गया, 23। 23 पे क्या होता है, आपका W होता है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो अब आप ये देखिए, ए में एक अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 आएगा। 2 नंबर पर क्या होता है, बी होता है। ये आपका होता है 3 नंबर के ऊपर, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और 5 नंबर पर क्या होता है, हमारा ई होता है, ठीक है। अब ये देखिए, उसके बाद में आता है आपका टी, टी होता है हमारा 20 नंबर के ऊपर, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 23 होते हैं, और 23 नंबर पे हमारा क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब ओ होता है
वो आता है 15 नंबर के ऊपर। अब इसमें चार जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 19 हो जाएंगे। और 19 नंबर पे आता है हमारा एस, और आर आता है 18 नंबर के ऊपर, और 18 में हम कितने जोड़ने हैं, हमें 5 जोड़ने हैं, 5 जोड़ेंगे तो 23, और फिर से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 23 पे होता है डब्ल्यू, तो बी ए डब्ल्यू एस डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है प्लेस वैल्यूज ने, ये मैंने आपको समझाया ना तब इतना टाइम लगा, वरना खुद से जब हम सॉल्व करते हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन बशर्ते याद होनी चाहिए प्लेस वैल्यूज। तो प्लेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको याद करनी ही पड़ेगी, यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, वो हमने देखा था एडिशन पैटर्न का। अब ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स, देखते ही ये चीजें ना समझ में आने लग जाएंगी, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होंगे, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये देखिए आप फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि सी और एक्स, सी और एक्स को देख के क्या होगा, कक्ष, कक्ष हमने बताया था, मैंने कक्ष का मतलब सी एक्स का ऑपोजिट है ना, कक्ष से आप याद कर लीजिए। मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, जिससे कि और भी आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सी का ऑपोजिट होता है एक्स, आज, आज में है, ए का ऑपोजिट होता है जेड, आर आई इंडियन रेलवे, आर का ऑपोजिट होता है आई, फिर से आर आई इंडियन रेलवे, और बी वाई बाय। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये पैटर्न जो है वो कैसा पैटर्न आ गया यहाँ पे, ऑपोजिट्स का पैटर्न आ गया है यहाँ पे। इसने क्या किए हैं, अल्फाबेट्स के ऑपोजिट्स लिखे हैं, और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ऑपोजिट्स भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी, हम जितना हो सके हर टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से और बेटर तरीके से करना है। तो ये देखिए, अब बी, बी का ऑपोजिट बाय वाई, आर का इंडियन रेलवे आई, आई का फिर से आर, एन मन, तो एन का ऑपोजिट एम, और जी टी, जी टी रोड, तो जी का ऑपोजिट टी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जस्ट इनके ऑपोजिट्स लिखते हुए जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हेन है और इसको इसने लिख दिया है टी डब्ल्यू एन, बहुत ही छोटा सा है, तो देखते हैं क्या है, समझने में इजी है या नहीं है। मैं इनकी प्लेस वैल्यूज को लिखती हूँ, क्योंकि जोड़ने से तो H और T बहुत दूर दूर हैं, तो कोई हिसाब किताब मुझे तो बैठता हुआ लग रहा नहीं है, क्योंकि H यहाँ पे है, T यहाँ पे है, E यहाँ पे है, W यहाँ पे है, N यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से N की जगह N ही आ रहा है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि ऐसे तो नहीं होगा, है ना, एड से या सब्सट्रैक्शन से नहीं होगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब हमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना, तो ऑपोजिट्स का आइडिया आप बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना, क्यों, जब हम ऑपोजिट्स का आइडिया लगा सकते हैं। तो H का ऑपोजिट फ्रेंड्स हनी सिंह, S, H का ऑपोजिट होता है S, E का ऑपोजिट होता है V, इवनिंग से हमने याद किया था E का ऑपोजिट होता है V, उसके बाद में N का ऑपोजिट होता है मन, मन से हमने याद किया था, तो N का ऑपोजिट होता है M। अब ये देखिए फ्रेंड्स, S में एक जोड़ेंगे तो T आएगा, V में एक जोड़ेंगे तो W आएगा, और M में एक जोड़ेंगे तो एन आएगा। तो फ्रेंड्स इसने क्या किया यहाँ पे, इसने डायरेक्ट जो है वो ऑपोजिट्स ने देके ऑपोजिट्स के अंदर एक एक जोड़ के जो है वो हमें डिकोड करके दिया है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा इसमें ये आइडिया भी लगा सकते हैं, और आइडिया क्वेश्चंस करते जाएंगे, आइडियाज लगते जाएंगे। तो ये देखिए कि जब डिफरेंस ज़्यादा दिखे ना, तो आप ऑपोजिट्स का आइडिया एक बार ज़रूर से लगा सकते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये सी, तो सी का ऑपोजिट होता है एक्स, ओ का ऑपोजिट होता है L, C का ऑपोजिट फिर से X, K का ऑपोजिट होता है P। अब आपको क्या करना है, इनमें एक एक, इनके ऑपोजिट्स हमने लिख लिए, अब इनमें एक एक जोड़ते हुए जाएंगे, तो X के बाद में आ जाएगा Y, L के बाद में आ जाएगा M, X के बाद में फिर से आ जाएगा Y, और P के बाद में आ जाएगा Q। तो Y, M, Y, Q, ये हमारा डिकोड हमने इसको कर दिया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी मेथड्स हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हैं, चलते जाइए, प्लेस वैल्यू याद हैं, ऑपोजिट्स याद हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं होने वाली है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, बार्ले, बार्ले को इसने इस तरीके से डिकोड किया है, तो मदर के लिए क्या होगा ये इसने पूछा है। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसे देखते हैं तो इसके जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, इससे बिल्कुल मिलते हुए से लग रहे हैं, केवल इनकी क्या है, पोजिशंस चेंज हैं, है ना। तो इस तरह का जो पैटर्न आता है ना फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं, उसे रीअरेंजमेंट। इसने इसमें क्या किया है फ्रेंड्स, इनका जो अरेंजमेंट था, इनकी जो पोजीशंस थी, उन्हें जस्ट क्या किया है, चेंज किया है। कैसे, ये देखिए, बी, इसने इसे क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बी ए आर
और एल ई वाई, तो बी ए आर जो है ना इसको इसने रिवर्स कर दिया, बी ए आर को क्या लिख दिया इसने, आर जो है वो यहाँ पे आ गया ए और बी, तो इस तरीके से जो है वो इनकी प्लेस वैल्यूज जो है वो हो गई हैं। इसी तरीके से एल ई वाई था तो वाई सबसे पहले आ गया, ई बीच में है और एल यहाँ पे आ गया, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद में इन्हें क्या कर दिया, इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो सेम हम ऐसे ही मदर के अंदर करेंगे, तो मदर को क्या दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, तो एम ओ टी है ना, तो एम ओ टी को क्या लिख देंगे, टी यहाँ पे आएगा, टी ओ और एम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से आर यहाँ पे आएगा, ई यहाँ का यहीं रहेगा और एच यहाँ पे आ जाएगा, तो टी ओ एम आर ई एच ये जो है वो इसे हमने डिकोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था, हमने एडिशन का पैटर्न देखा है, ऑपोजिट्स का पैटर्न देखा है, फिर ऑपोजिट के अंदर भी एडिशन हुआ है और उसके बाद में ये वाला जो पैटर्न है ये रीअरेंजमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स की क्या है, पोजिशन को चेंज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, मेंशन को लिखा है इसने इस तरीके से, तब एक एल को अगर हम छोड़ दें तो आगे वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या हैं, वो सारे अल्फाबेट्स इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये रीअरेंजमेंट का केस हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको रीअरेंजमेंट में फ्रेंड्स एक चीज़ है समझ में नहीं आए ना, तो आप ये कर लीजिए कि आप इसको इसके नीचे लिख लीजिए, तो आपको बहुत ईजिली जो है वो समझ में आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी स्टेप्स है ना, ये इनिशियल स्टेप्स हैं, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब स्टार्टिंग है तो आपको ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरीके से लिखती हूं तो एम में से एक माइनस करते हैं तो क्या आएगा, एल आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये एन यहां पर आया, ई यहां पर आ गया, इंटरचेंज हो गए, आई यहां पर आ गया, टी यहाँ पे आ गया, ये इंटरचेंज हो गए, और एन यहाँ पे आ गया और ओ यहाँ पे आ गया, ये भी क्या है, इंटरचेंज हो गए हैं। तो अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है कि एम जो है वो उसमें से एक माइनस करेंगे, पहले अल्फाबेट में से एक माइनस करेंगे और बाकी के जो है ना उनकी प्लेस वैल्यूज को सिर्फ क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ये देखिए पी में से एक माइनस करते हैं तो ओ आ जाएगा, है। अब ये देखिए टी को यहाँ पे लिख देती हूँ, ए को यहाँ पे लिख देती हूँ, ई को यहाँ पे, टी यहाँ पे, एन यहाँ पे और आर यहाँ पे, तो ओ टी ए ई टी एन आर, ये हमने इसे इसी भाषा में लिख दिया है। बहुत ही ईजी था, सिर्फ एक अल्फाबेट का फर्क था। तो इस तरीके से जब आप नीचे लिखेंगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर को इसने इस तरीके से लिखा है ना। तो ये देखिए आप कि इस तरह का पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे इसको समझाना है आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि मेडिसिन को कैसे लिखना है, ये पूछता है, ये मेडिसिन को, है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आर जो है वो क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि इसका जो लास्ट अल्फाबेट है इसने उसे क्या किया, फर्स्ट बना दिया, क्या किया, प्लस जीरो किया, कुछ नहीं जोड़ा। अब ये देखिए इसका जो सेकेंड लास्ट है उसमें एक जोड़ेंगे तो इसका सेकेंड बन गया, एक एक जोड़ते हुए चल रहे हैं, प्लस वन, टी के बाद में यू, यू के बाद में वी, पी के बाद में क्यू, एम के बाद में एन, ओ के बाद में पी और सी का इसने सी ही रख दिया है। तो फ्रेंड्स इसने क्या किया है कि ये जो इसका लास्ट है, ये पैटर्न भी बहुत बार आता है फ्रेंड्स कि जो आपको कोड दिया हुआ है डिकोड करते टाइम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट अल्फा, इसका लास्ट अल्फाबेट इसका फर्स्ट बन जाएगा और इसका फर्स्ट इसका लास्ट बन जाएगा। इसने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया कि फर्स्ट और लास्ट जो है उसमें तो कुछ भी नहीं जोड़ा और बीच वाले जो हैं उनमें एक एक का इसने एडिशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही फेमस पैटर्न है, तो हम इसे भी लिख देते हैं। ई की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, एन के बाद में आता है ओ, आई के बाद में आता है जे, सी के बाद में आता है डी, आई के बाद में जे, डी के बाद में ई, ई के बाद में एफ और एम जो है वो क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये भी एक पैटर्न है जिसके अंदर जो है वो इनकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उन्हें क्या कर दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि अगर चलिए हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं, तो इनकी हम प्लेस वैल्यूज लिखेंगे तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मैं तीन नंबर पे आता है
और हमारा जे आता है 10 नंबर के ऊपर। तो आप ये देखिए कि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, यानी कि डिफरेंस तो ज्यादा है। लेकिन आर और आस एस देखते हैं तो आर एस क्या है, पास पास है, 18 और 19 पे हैं। लेकिन जब आई पे आते हैं, आई है 9 पे और डी है 4 पे। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न हमें नहीं समझ आ रहा कि प्लस माइनस का हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का जैसे मैंने आपको बताया कि पैटर्न नहीं समझ आए ना, तो आप क्या कीजिए, इसको नीचे, इसके नीचे लिख लीजिए इन्हें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी पैटर्न को समझने के लिए। अगर नहीं समझ आता है, बहुत ही अच्छा तरीका है, आप नीचे लिखेंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स आप कि इसने क्या किया है, ये जो वर्ड है इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 लेटर्स है ना, इसने क्या किया कि ये 3 है इन्हें अलग कर लिया, ये 3 है इन्हें अलग कर लिया, और बीच का जो सी है ना वो उसे हम छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में समझा रही हूँ, ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। फिर आपको इस तरीके से काउंट करना, अलग करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन समझने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए आप कि सी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, डी है, यानी कि सी में क्या कर दिया इसने, इसने किया है सी के अंदर प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, आर के अंदर प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया, एस आ गया, और आई के अंदर प्लस 1 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, जे आ गया। यानी कि इन तीनों में इसने प्लस 1 किया, लेकिन किस तरीके से, क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर। अब देखिए सी में 2 जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। अब आगे आते हैं, अब आपके देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे के है, यहाँ पे जे है, तो इसने अब क्या किया, के के अंदर 1 माइनस किया तो यहाँ पे जे आ गया, तो माइनस 1 हो गया। फिर उसके बाद में है, यहाँ पे भी माइनस 1 हो गया, और टी से 1 माइनस किया तो एस आ गया। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, कितना शानदार पैटर्न इसने लगाया है कि ये जो पहले के 3 है इनमें प्लस 1 करके क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाया, लास्ट के 3 में माइनस करके क्रिस क्रॉस पैटर्न में लगाया, और बीच का जो है उसमें प्लस 2 इसने कर दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नीचे लिखेंगे ये चीज़ें आपको बिल्कुल इजिली समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब सेम पैटर्न इसके अंदर भी लगा देते हैं। ये देखिए, इसे अलग कर देते हैं, इसे अलग कर देते हैं, सी यहीं पर रह जाएगा। तो ये देखिए, एम में 1 जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा, ए में 1 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, टी में 1 जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा, सी में 2 जोड़ते हैं, यहाँ पे सी में 2 जोड़ा है ना, तो यहाँ पे आ गया ई। अब एक एक कम करते हुए जाइए, यहाँ पे आर, यहाँ पे डी, और यहाँ पे जी। इस तरीके से ये हमारा जो है वो आ जाएगा। पहले में 3 जोड़ेंगे, फिर एक एक माइनस करेंगे, और बीच वाले में 2 जोड़ देंगे। तो बहुत ही शानदार ये भी एक आपका पैटर्न बन सकता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इनको पहचान लिया तो। इसमें फ्रेंड्स एक ही है कि हम क्या है, उलझ जाते हैं, हम इसमें पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं, और पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें कोई पैटर्न इसमें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न है ही नहीं। हमने फ्रेंड्स क्या किया, हमने प्लस का एडिशन का पैटर्न देखा, हमने सब्सट्रैक्शन का पैटर्न देख लिया, हमने रीअरेंजमेंट का पैटर्न देख लिया, हमने रिवर्स का पैटर्न देख लिया जिसमें रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसमें फ्रेंड्स कोई पैटर्न है ही नहीं। आप ये देखिए कि इसने क्या बनाया, इन दोनों को मिलकर के ये बना दिया रशिया। इसमें जो लेटर्स आ रहे हैं ना, ये सभी लेटर्स क्या हैं, इन दोनों के अंदर हैं। अब ये देखिए, आर 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 को ये क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आई कहता है, आर को ये क्या कह रहा है, आई कह रहा है। तो हमें भी सिर्फ इसकी नकल करनी है एज इट इज़, और हम आर की जगह क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। अब देखिए आप, यू यू को ये क्या बोलता है फ्रेंड्स, यू को ये कह रहा है एन, तो हम भी यू को क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे। अब देखिए एस, एस को ये बोलता है डब्ल्यू, तो हम भी दोनों एस की जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। फिर आई, आई को ये बोलता है के, तो हम यहाँ पे के बोल देंगे। और ए को ये बोलता है फ्रेंड्स एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। तो इसमें आपको कोई भी पैटर्न नहीं ढूंढना कि आर 18 पे है, आई 9 पे है, फिर यू जो है वो आ जाएगा हमारा 21 पे, एन है हमारा 14 पे। तो इस तरीके से अगर हम प्लेस वैल्यूज लिख के आप इनके पैटर्न को ढूंढेंगे, आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे ईजी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर उलझ गए तो मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मैक्सिमम जो है पैटर्न हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं।
हैं, अब सिर्फ बाकी है वो है आपकी प्रैक्टिस। तो आपको इस सेशन को बिल्कुल देखना है, इन क्वेश्चंस को एक बार मेरे बताने के बाद खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में अल्फ़ाबेट की जो कोडिंग डिकोडिंग है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो निकालिए। आपको फ्रेंड्स मैं बिल्कुल गारंटी से कहती हूँ कि ये सेशन अटेंड करने के बाद आप हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली निकाल पाएंगे। आपको जो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज मैंने बताई हैं वो ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इन्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब फ्रेंड्स क्या है, हम नेक्स्ट सेशन के अंदर अल्फाबेट से नंबर जो है वो हम कैसे डिकोड करते हैं उन्हें हम सीखेंगे। आज हमने अल्फाबेट टू अल्फाबेट सीखा, कल हम अल्फाबेट टू नंबर जो है वो उन्हें हम बहुत इजीली सॉल्व करना सीखेंगे। उसमें भी एक ही चीज़ काम आने वाली है फ्रेंड्स, वो है अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। तो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू का मैं आपको एक दिन का टाइम देती हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू जो है उन्हें रट लीजिए, और फिर देखिए आप जब हम अल्फाबेट से नंबर वाले जो कोडिंग डिकोडिंग करेंगे उसमें आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।